आज के हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और पूरा जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हिस्ट्री, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किसने क्या डिस्कवर किया, किसने C3 साइकिल, किसने C4 साइकिल, ये हम देखेंगे पूरी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हम थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे विजिबल लाइट, दृश्यमान प्रकाश होता है जिनको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जिनका यूज होता है दृश्यमान प्रकाश, उनको हम देखेंगे विजिबल लाइट में। उसके बाद हम पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स का रोल होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरेटिनॉइड, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सब हैं, हम पिगमेंट्स का देखेंगे। उसके बाद फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। उसके बाद क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड का देखेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। उसके बाद एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक आता है लाइट रिएक्शन, उसके बाद डार्क रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम ये ओवरव्यू देखेंगे फोटोसिंथेसिस की। ये एक तैयारी है, प्रिपरेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये रिक्वायरमेंट है, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, विजिबल लाइट चाहिए, पिगमेंट्स चाहिए, ये बेसिक इनके बारे में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला लाइट रिएक्शन, उसके बाद डार्क रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के बारे में। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन एच ए बाई प्रोडक्ट एनवायरमेंट में रिलीज होती है। तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कन्वर्ट होते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण CO2 मॉलिक्यूल से होता है और H2O की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। यहाँ पर सनलाइट की लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो एज ए केमिकल एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है और यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में यहाँ पर यूज किया जाता है। ये पूरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है। अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही ग्रीन प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 लेके और उन उस CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं C6H12O6। तो एनवायरनमेंट की CO2 को कंज्यूम करके C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और इनसे कार्बोहाइड्रेट, अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और इनसे फिर प्रोटीन, प्रोटीन फैट, ये सब जो बायो मॉलिक्यूल हैं सेल के अंदर जिनको एनर्जी के लिए हर किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इन सब का फॉर्मेशन ग्लूकोज से होता है। तो जितने भी अर्थ पे स्पीसीज हैं उन सब के लिए फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो सब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके अलावा इसको हम एनर्जी ट्रैपिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो सनलाइट में जो लाइट एनर्जी का जो एक अथाह भंडार है, बहुत अधिक क्वांटिटी में जो एनर्जी है उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उस एनर्जी का यूज करके और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस के थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये ग्लूकोज हर स्पीसीज का एज ए फूड के रूप में अवेलेबल होता है। फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ग्रीन प्लांट में होती है,
जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, इनके अलावा एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है। जिनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उनको ऑटोट्रोप कहते हैं, और जिनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होता उनको हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। और किसी भी पूरे इकोसिस्टम में देखें तो जिसमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और उसके अलावा जितने भी कंज्यूमर हैं वो सारे प्रोड्यूसर के बनाए हुए फूड पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, और इस प्रकार से फूड चेन चलती रहती है। इसके अलावा हम देखें कि फोटोसिंथेसिस एनवायरनमेंट के अंदर CO2 व ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने में भी अपना योगदान देते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर CO2 अगर अधिक हो जाएगी तो वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए सही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए सही नहीं रहेगा। हमें श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए, अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो श्वसन में प्रॉब्लम आएगी। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एनवायरनमेंट से CO2 लेता है, इसलिए CO2 की क्वांटिटी को कम करता है, और उसके बाद एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाता है। तो इस प्रकार ये CO2 व O2 दोनों गैसों के बीच में बैलेंस बनाने का भी काम करता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसके बाद देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, कौन से साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। प्रीस्टले ने बताया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। प्रीस्टले ने सबसे पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, इसमें न केवल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बल्कि ऑक्सीजन भी निकलती है, वो एज ए बाई प्रोडक्ट है। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे होज, उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सनलाइट यूज होती है, यूज ऑफ सनलाइट, सूर्य की जो लाइट एनर्जी है उसका कंज्यूम करके और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद ड्यूट्रोचेट नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो एक कोशिकांग है उसमें ये रिएक्शन होती है। उसके बाद हिल ने ये बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, वो H2O मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से H2O का ऑक्सीजन रिलीज में यूज होता है, CO2 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, ये बताया हिल ने। उसके बाद कैल्विन एंड बैशेम ने C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के बारे में बताया, जो फोटोसिंथेसिस का हम माने कि एक मेजर एक साइकिल है जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इस कार्य के लिए कैल्विन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद एमर्सन ने रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बताया, एनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में बताया, और PS1st and PS2nd, फोटोसिस्टम 1st और फोटोसिस्टम 2nd, इन तीनों के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्क एंड पॉन्ड्स ने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का हम माने तो दो रिएक्शन है, मैंने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेशन पावर बनती है, ATP व NADH2 बनते हैं, और वो एसिमिलेशन पावर डार्क रिएक्शन में जिसमें C3 साइकिल होता है उनमें यूज करके CO2 का फिक्सेशन या रिडक्शन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। तो ये डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद हैच एंड स्लैक ने C4 पाथवे के बारे में बताया कि कुछ यूनिक अडेप्टेशन होता है कुछ प्लांट में, जो C3 साइकिल के अलावा एक अलग से साइकिल होता है इसको बोलते हैं C4 साइकिल, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट कोशिका का एक
कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड भी बोलते हैं, प्लास्टिड कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलरफुल होते हैं, येलो कलर के, रेड कलर के, जो में स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। और कुछ होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी, जिसमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी का रंग हरा होता है। और मोस्टली हम देखते हैं कि जितने भी ये प्लांट हैं उन सभी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल ए व बी दोनों होते हैं, ए व बी। इनके अलावा एल्गी में हम देखें क्लोरोफाइसी एल्गी, क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इनके अलावा एक तीसरा होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड ल्यूकोप्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ फूड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का देखें, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, जिसके चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। और इसमें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ग्रेना। और उसके बाद जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसका बोलते हैं स्ट्रोमा। मैंने पहले बताया था कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। तो ग्रेना क्या है, ग्रेनम का इस टाइप से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है और एक स्टैक को हम बोलेंगे थाइलेकोड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ग्रेना कहलाता है, और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमा लेमिली से अटैच होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, जिससे एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से अटैच होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में कुछ डीएनए का कंटेंट भी होता है, तभी इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, अर्ध सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है। कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट अपने खुद के डीएनए से ही सिंथेसिस करता है, और कुछ प्रोटीन्स जो न्यूक्लियर डीएनए हैं जो केंद्रक में प्रेजेंट होता है उनके जीन से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, इसको सीपी डीएनए बोलते हैं। इसके अलावा राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 17S टाइप के होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ क्लोरोप्लास्ट का। और अगर हम एक ग्रेनम देखें, एक या इसको बोलेंगे थाइलेकोड, एक सिंगल थाइलेकोड जिसकी आउटर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें कि थाइलेकोड में अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, इसके अलावा कुछ ये छोटे छोटे एसेसरी पिगमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा साइटोक्रोम B6F जो मैट्रिक्स या बाहरी जो एनवायरनमेंट है उनसे H+ को अंदर ल्यूमेन के अंदर रिलीज करता है, और कीमो ओस्मोसिस जो कीमो ओस्मेटिक थ्योरी है अंदर जो ग्रेडियंट पैदा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक एटीपेज सिंथेज होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसमें यहाँ भी होता है, इसको CF पार्टिकल भी बोलते हैं, CF पार्टिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया के ATP सिंथेज की तरह होता है, CF पार्टिकल। तो ये 5 टाइप के पिगमेंट्स हो गए जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, ये क्या है कि ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं एक ग्रुप बना के, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए बी बीटा कैरोटीन अल्फा कैरोटीन, ये सारे पिगमेंट एक ग्रुप बनाते हैं। दोनों में चाहे पीएस फर्स्ट हो पीएस सेकंड, दोनों का रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 होता है और फोटोसिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर P680 होता है। तो
इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है और जो बाकी पिगमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं SS3 पिगमेंट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन सेंटर तक लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, और उसके बाद रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में आके उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वह एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी का यूज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे लाइट रिएक्शन में। तो PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड इंपॉर्टेंट है। PS फर्स्ट हमेशा नॉन एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है, और PS सेकेंड हमेशा एप्रेस्ड पार्ट में। देखो ये वाला पार्ट एप्रेस्ड पार्ट है, एक ग्रेनम के ऊपर दूसरा ग्रेनम है, तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो ये वाला पार्ट एप्रेस्ड पार्ट है। यहाँ पर हमेशा PS सेकेंड फोटोसिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है, और ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स की तरफ पार्ट है, मैट्रिक्स की तरफ ये वाला, यहाँ पर हमेशा फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लाइट हार्वेस्टिंग जो पिगमेंट है, जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है, जो नए फोटोसिस्टम फर्स्ट का पार्ट है, नए फोटोसिस्टम सेकेंड का पार्ट है, तो ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करके और अपने पास फोटोसिस्टम फर्स्ट या सेकेंड को ये लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। तो LHC भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वो हालांकि PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड का पार्ट नहीं होते, लेकिन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को अपने नज़दीकी फोटोसिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा ATPase सिंथेज होता है, जो ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ATP में कन्वर्ट होता है। ATP फॉर्मेशन में ये ATP सिंथेज हेल्प करता है, उसको CF पार्टिकल भी बोलते हैं, CF पार्टिकल। इसके अलावा साइटोक्रोम B6F होता है, ये कीमोस्मोटिक थ्योरी में मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट पैदा करने में मैट्रिक्स से H+ को थाइलेकोड की ल्यूमेन में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लास्टोक्विनोन भी होता है, प्लास्टोसाइनिन भी होता है, और ये जो पिगमेंट हैं, ये जो अगर लाइट की क्वांटिटी इंटेंसिटी अधिक है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फोटोन है, तो एक क्वेंचिंग में हेल्प करते हैं, उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं, और थाइलेकोड का या एक सेल की ये प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इज द सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट ह्यूमन आई कैन व्यू। जो लाइट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैग्नेट स्पेक्ट्रम है, उनमें से जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, ह्यूमन की आई से जो हमें दिखाई देता है, उनको हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जैसे अब देखो दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 760 या 780 नैनोमीटर के आसपास होता है। इससे पहले, इससे कम वेवलेंथ वाली लाइट यूवी लाइट कहलाती है, यूवी लाइट, उससे कम, दृश्य प्रकाश से कम वेवलेंथ वाली लाइट अल्ट्रावायलेट रेज कहलाते हैं, उससे कम एक्स रेज, उससे कम कॉस्मिक रेज। तो जिनकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। तो इन जो कॉस्मिक रेज, एक्स रे, यूवी रेज, उनका वेवलेंथ कम है लेकिन उनमें एनर्जी ज़्यादा है। और विजिबल लाइट के बाद हम देखें 780 या 700 के 680 या 700 के बाद, रेड लाइट या फार रेड लाइट के बाद का जो एरिया, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, IR, और उसके बाद डिफरेंट टाइप रेडियो वेव होती हैं, तो इनका वेवलेंथ ज़्यादा है, इन लाइट्स का वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब उनका लेमडा ज़्यादा है, लेकिन इनमें एनर्जी कम होती है एज कंपेरिजन ऑफ यूवी लाइट इनके। तो हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ विजिबल लाइट, दृश्यवान प्रकाश, जो ह्यूमन आई से हम जिनको देख सकते हैं 380 से लेके 700 के आसपास। तो अगर विजिबल लाइट की बात करें तो इसमें सबसे पहले विबज्योर, वायोलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वेवलेंथ होता है, सबसे कम लेमडा इसका है, कम लेमडा इस वेवलेंथ इसका है, तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। सिर्फ दृश्य विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, और रेड लाइट की
वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी कम होती है इनकी तुलना में। तो विजिबल लाइट में हम देखेंगे तो वायलेट जो ये हैं इनका रेंज है 380 to 450 नैनोमीटर, ब्लू लाइट 450 to 490, ग्रीन लाइट 490 to 570 नैनोमीटर, येलो ऑरेंज एंड रेड और उसके बाद फार रेड। तो इसको हम याद रखें VBGYOR, वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड विबजोर। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट को ही अब्जॉर्ब करते हैं, इसके अलावा न तो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे न इंफ्रारेड को, सिर्फ विजिबल लाइट को। अब विजिबल लाइट में भी कौन सी लाइट को कितना अब्जॉर्ब करते हैं, कौन सा पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ए है उसकी कैपेसिटी अलग है लाइट को अब्जॉर्ब करने, क्लोरोफिल बी की अलग है, कैरोटीनॉइड की अलग है, तो ये हम सारा देखेंगे अभी। उसके बाद हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। प्रिंसिपल पिगमेंट्स के रूप में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल जो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एक प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसके अलावा क्लोरोफिल बी सी डी ई भी होता है, ये सारे एसेसरी है, और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं ये भी एसेसरी हैं, फाइकोबिलिन्स हैं ये भी एसेसरी हैं। एसेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे पीएस फर्स्ट हो, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, सबका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल ए उनमें नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सभी जो चाहे एल्गी हो चाहे प्लांट हो सभी में क्लोरोफिल ए यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है, जिनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है बैक्टीरिया को छोड़ के। बैक्टीरिया में कुछ अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, तीन टाइप के हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, ये तीन पिगमेंट्स होते हैं, तीनों बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मोस्टली ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों साथ में होते हैं तो वो उनका कलर हमेशा ग्रीन होता है। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी जो थियोफाइसी एल्गी हैं भूरे सवाल हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल ई कुछ येलो ग्रीन एल्गी हैं उनमें ई प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स भी एक एसेसरी पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, इनका फॉर्मूला C14H56 होता है, C14H56। इनका फॉर्मूला क्या होता है, C14H56, ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स एक पिगमेंट होते हैं जो एसेसरी पिगमेंट है, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैरोटीन एंड जेंट्रोफिल। कैरोटीन होते हैं C14H56, और तीन प्रकार के कैरोटीन होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन। कैरोटीनॉइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैरोटीन एंड जेंटोफिल। कैरोटीन हमेशा कार्बन व हाइड्रोजन के बने होते हैं जिनका फॉर्मूला C14H56 होता है, और इनके एग्जांपल हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन। इनके अलावा जेंटोफिल्स होते हैं, जेंटोफिल्स कैरोटीन के ऑक्सीजन डेरिवेटिव होते हैं, यहाँ पर C14H56 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो जेंटोफिल्स कैरोटीनॉइड के ऑक्सीजन डेरिवेटिव होते हैं, ये पीले व भूरे वर्णक होते हैं, मोस्टली
अगर हम बात करें तो ल्यूटीन जो जैंथोफिल है जो लीफ में व्यापक रूप से प्रेजेंट होता है, इनके अलावा फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन एल्गी जो फियोफायसी के मेंबर में प्रेजेंट होता है उनके कारण उनका ब्राउन कलर होता है। इनके अलावा जियाजेंथिन वायलोजेंथिन ये सारे क्या हैं जैंथोफिल हैं। फ्यूकोजेंथिन इंपॉर्टेंट है जो भूरे सवालों में प्रेजेंट होते हैं, इनके अलावा ल्यूटीन जो मोस्टली प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है। इनके अलावा फाइकोबिलिन्स ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, इसको हम देखें फाइको एरिथ्रिन एंड फाइको साइनिन। फाइको एरिथ्रिन रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी के मेंबर में, और फाइको साइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी में फाइको एरिथ्रिन। ये बेसिक पिगमेंट हैं, प्रिंसिपल पिगमेंट एंड एसेसरी पिगमेंट, जिसमें क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी सी डी, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स के बारे में हमने देखा है।